दोस्तों, आलिम दीन तो इस बात से बखूबी आगाह हैं, मगर बहुत कम मुझ जैसे आम लोग इस बात को जानते हैं कि हिजरत के बाद रसूलुल्लाह ने पहला पड़ाव यानी पहला क़याम इस जगह पर किया था। आज मैं आपको उस मुकद्दस जगह का रात का मंज़र दिखा रहा हूँ। कफारे मक्का के जुल्म व सितम से तंग आकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो ये वो जगह है जहाँ पर पहुँच कर मेरे आका को अमन मैसर आया था और यहाँ के लोगों ने आका करीम को बहुत इज्जत मर्तबे और मोहब्बत से नवाजा था। आए मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ। दोस्तों, 10 रियाल का टिकट खरीद कर आप इस मुकद्दस मुकाम की ज़ियारत कर सकते हैं जहाँ हिजरत के बाद मदीना पहुँचने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पड़ाव किया था। यही वो जगह है जहाँ आपकी ऊँटनी आकर रुकी थी। ये वो वक्त था जब आप मक्का से मदीना तक का सफ़र करके बहुत थक गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे। यहाँ पहुँचकर आपने क़याम फरमाया और यही वो मकाम है जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने जिस्म और चादर से साया कर दिया था, क्योंकि सूरज सर पर था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्मी लग रही थी और पसीना आ रहा था। फिर यहाँ के लोगों ने यह मंज़र देखा तो वो भागकर करीब आए और दरियाफ्त किया कि तुमने इस शख्स पर साया क्यों कर रखा है, क्या ये कोई बादशाह है? तो हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया कि नहीं, ये रसूल अल्लाह हैं, अल्लाह के आखिरी नबी। दोस्तों, मदीना के लोग हज़रत मुसअब बिन उमैर के हाथों पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मदीना से मिले तो ये पहला पड़ाव था। आज तो इस बाग को बहुत जदीद सहूलतों से आरास्ता कर दिया गया है, मगर नबी पाक की आमद के वक्त यहाँ एक कुआं था जिसके पानी से आपने वजू फरमाया था, गुसल किया था और पानी पिया भी था। वो कुआं आज भी मौजूद है। नबी पाक के इस बाग में क़याम बारे 3 रिवायात पाई जाती हैं, पहली 7 दिन, दूसरी 12 दिन और तीसरी 24 दिन। इस बाग को अब तक महफूज रखा गया है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद पर पहली क़यामगाह। इस बाग के ऐन सामने इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद कुबा है। इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा इस बाग के बहुत करीब है, 1 फरलांग के फासले पर ये दोनों मुकद्दस मुकाम मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बहुत अहम बात आपको बताता चलूँ। हज़रत साद बिन खशीमा या खसीमा और हज़रत कलसूम बिन हदम इस सारे इलाके के मालिक थे जो मदीना के दीगर लोगों के साथ बेकरारी से रसूलुल्लाह का इंतज़ार कर रहे थे। फिर जब आका करीम इस मुकाम पर पहुँचे तो आप का शानदार इस्तकबाल किया गया। ये बाग जो आप देख रहे हैं, ये बाग, यहाँ पर मौजूद कुआं और यहाँ पर मौजूद घर, ये साद बिन इब्ने खशीमा की मलकियत था, मगर इस बाग को रसूलुल्लाह का बाग कहा जाता है क्योंकि साद बिन खशीमा ने यह जगह दीन के लिए वक्फ़ कर दी थी। दोस्तों, साद बिन अबी खसैमा साहबी रसूल थे और इस पूरे नखलिस्तान के इस बाग के मालिक थे। ये कुआं उनका था, उसी कुएं से मोटर के ज़रिए पानी निकाला जाता है, बड़ा शफाफ पानी है और लोग इसको पीते हैं। और आका दोजा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद यहाँ पर 4 से 7 दिन तक क़याम किया था और इसी जगह पर रहे थे। इस बाग की खजूरें भी खाई थी और आराम फरमाते थे यहाँ और इस कुएं का पानी भी पिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरफ देखें, ये बाग, इसके अंदर खेमे लगाए गए हैं, इसके अंदर उसी कुएं से जो पानी आ रहा है, ये देखें, छोटे छोटे छोटी छोटी जिसको हम खाला कहते हैं, लेकिन ये सुआ टाइप है, ज़रा पक्के हैं और वो दूर तक खजूरों के बाग हैं। और यहाँ पर ऊँट भी खड़ा किया गया है और इसको जैसा था वैसा अरबियों की रहतल बहतर रस्म व रिवाज के मुताबिक रखने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ी एक तारीखी जगह है और ये पीछे अगर आप आएँ इस तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि रात का वक्त है और बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है मस्जिद कुबा। जी हाँ, वो पीछे आप मेरे देखें, मस्जिद कुबा नज़र आ रही है। और मस्जिद कुबा वो जगह है
जहाँ पर आकाए दो जहाँ सरकार मदीना जब हिजरत करके तशरीफ लाए तो इस जगह पर आपने क़याम भी किया था और यहाँ पर नमाज पढ़ी थी। मेरे पीछे आप देखें कि अगर आप इस तरफ अगर आएँ तो उसी रिवायत को, उसी रहतल बैतल को ज़िंदा रखने की कोशिश की गई है। और ये देखें, यहाँ पर बड़े आला दर्जे के दरख्त लगाए गए हैं खजूर के, और इस यहाँ ये दरख्त फल भी देते हैं और यहाँ लोग आते हैं, हाजी भी आते हैं, यहाँ के लोकल भी आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। अब मैं आपको उन सहाबी रसूल का घर दिखाता हूँ, और वो कमरा आज तक महफूज है जो जहाँ वो रहा करते थे। और करीन क्यास ये भी है कि इसी कमरे में आकाए दो जहाँ सरकार मदीना ने आराम भी फरमाया। इस पार्क के, इस बाग के प्रीमिसिस में यहाँ पर देखें ये शॉप है, यहाँ पर जो हाजी आते हैं और जो विज़िटर्स आते हैं वो यहाँ पर शॉपिंग भी करते हैं। पर्स भी हैं, परफ्यूम भी है, बच्चों के लिए भी चीज़ें हैं, अंगूठियाँ हैं, आर्टिफिशियल हैं, टोपियाँ हैं, पर्स हैं, ये ख़रीद सकते हैं। और मैं अब आपको सहाबी रसूल हज़रत साद बिन खुसैमा का जो है वो कमरा दिखाता हूँ। और ये वो घर है जिसको प्रिजर्व कर लिया गया है, देखें ये इसको प्रिजर्व कर लिया गया है। और ये जो लकड़ी लगी हुई है, अगर आप गौर करें, ये लकड़ी ये खजूर की नहीं है, ये मेरा ख्याल है किक्कर की, जो कि यहाँ जंगलात में वाफिर उगते हैं जंगली कीकर, ये उसकी लकड़ी है। इसकी छत गिर चुकी है, और ये देखें यहाँ पर जो बलियाँ हैं वो अभी बाकी रह गई हैं तने, और इसकी छत गिर गई, दीवारें वही हैं इसकी। और आप अगर इस तरफ देखें तो ये देखें कितनी चौड़ी दीवार है, गर्मियों से बचने के लिए, सर्दियों से, मौसमी हालात से बचने के लिए कितनी चौड़ी दीवारें रखी जाती थी। और इसकी चुनाई के अंदर पत्थर भी हैं और गारा भी है। और अगर इस तरफ से देखें तो वो गेट बदल दिया गया है बावजूद, लेकिन गेट के ऊपर जो लकड़ी लगी हुई है वो भी बहुत पुरानी है और उसी दौर की है, और ऊपर जो बलियाँ लगाई गई हैं वो भी। तो इस कमरे को प्रिजर्व कर लिया गया। और ये दरवाज़ा जो है ये उनके घर का एग्ज़िट हुआ करता था, ये बाग के अंदर आने के लिए ये दरवाज़ा इस्तेमाल होता था। और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका ही, देखें ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, और उस दौर में तो पत्थर और पहाड़ हुआ करते, लेकिन अब यहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, तो यहाँ से दाखिल होते थे और फिर इस बाग में दाखिल हो जाया करते थे। मेरे आका करीम ने हिजरत के बाद पहला क़याम यहाँ किया था। ये उस मुकद्दस बाग के रात के मनाजिर हैं जिसकी ज़मीन को मेरे आका करीम के कदम मुबारक को बार बार बोसा देने का मौका मिला। मदीना के मुज़ाफ़ात में मस्जिद नबवी से चंद किलोमीटर के फासले पर ये बाग आज भी यहाँ पर मौजूद है, जो मुसलमानों को अहद रफ्ता की याद दिलाता है। दोस्तों, आकाए दो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए तो उनका इस्तकबाल किया बच्चियों ने, जिसमें उन्होंने दफ बजाई थी। उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर आपने क़याम भी किया और यहाँ पर नमाज अदा की। आज उस मुकाम पर मस्जिद कुबा बना दी गई है, और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। जी हाँ, मदीना शहर में जो पहली मस्जिद तामीर की गई थी वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इसकी यहाँ मस्जिद तामीर करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में, एक सहाबी के बाग में क़याम किया था, 4 से 7 दिन कहा जाता है। और वहाँ पर आकाए दो जहाँ सरकार मदीना ने आराम भी फरमाया था, और सरकार ने वहाँ पर वज़ू भी किया और गुसल भी फरमाया था। लेकिन उसके बाद जब आकाए दो जहाँ सरकार मदीना यहाँ से मदीना, जहाँ आज मदीना में मस्जिद मौजूद है, मस्जिद नबी, उसकी तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जुम्मे का वक्त हो गया। आपने जिस जगह पर जुम्मा अदा किया वहाँ पर मस्जिद जुम्मा बना दी गई है। दोस्तों, मैंने आपको इस बाग के रात के मनाजिर दिखाए, मैंने आपके लिए इसके दिन के मनाजिर भी रिकॉर्ड किए हैं, जो कि देखने में बड़े हसीन और खुशनुमा लगते हैं, लेकिन वो आप देख सकेंगे अगले किसी एपिसोड में। अभी इस पर इक्तफा कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियतः फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।